सभी साथियों को नमस्कार। और आज मैं आप लोगों को IRCTC से रियायती दर पर ऑनलाइन रेल टिकट कैसे बुक की जाती है इस विषय में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बैक कर होम पेज पर आता हूँ और मैं IRCTC जो रेल कनेक्ट है उस एप्स पर जाता हूँ। ये बोल रहा IRCTC रेल कनेक्ट, मैं इसे ओपन करता हूँ। साथियों, आजकल IRCTC के ऐप में बहुत परिवर्तन हो रहा है और हाल ही में इस ऐप्स को इस तर्ज पर तैयार किया गया है कि जिस तरह से वेबसाइट पर आप पहले ट्रेनों का स्टेटस, अर्थात कौन सी ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी है, कौन सी ट्रेन में किस कोटे के तहत सीटें हैं, वो पहले ही देख सकते हैं। ये पहले संभव नहीं था। पहले आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होता था, लेकिन अब शायद ऐसा बदलाव हुआ है। चलिए आइए हम देखते हैं। इसमें बहुत सारे दिए, माय बुकिंग्स, प्लान माय जर्नी। तो आपको पता है, प्लान माय जर्नी पर ही हमें क्लिक करना होगा क्योंकि हमें अपना प्लान करना है ट्रेवल करने का। प्लान माय जर्नी ये ओपन हो गया है। अब हमें देखना है, मान लीजिए मुझे टिकट करनी है बुक इंदौर से जबलपुर। इंदौर से जो कोड है INDV वो वहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर मुझे चेंज करना होता तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अब टू JBP जबलपुर, मुझे जबलपुर आना है। डिपार्चर डेट है नवंबर, वेनसडे नवंबर 13 का है, लेकिन मुझे आना है 17 को। नवंबर 16 दिया है, नवंबर 15 दिया है। मान लीजिए मुझे नवंबर 16 में देखना है, तो मैंने नवंबर 16 को, लेकिन ये भी कर सकते हैं जो डिपार्चर डेट है उसी को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें पूरा एक कैलेंडर आ जाता है कि आपको कब चाहिए। तो मुझे चाहिए 17 को। ये नवंबर 17, 2019 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये नवंबर 17, 2019 और दिन आ गया संडे। एक होता है कैंसल, एक होता है ओके। मैं ओके कर रहा हूँ। तो ये संडे के दिन 17 तारीख की बुक हो गई है, लेकिन इसमें आगे और डेट दी है जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लोर करके बता चुका हूँ, जैसे नवंबर 14, ठीक है। फ्लेक्सिबल विद डेट, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि अगर मान लीजिए मुझे 17 को मिलती है तो वेरी गुड, अगर 18 को भी जाना होगा तो मान लीजिए जो ट्रेन 17 को चल रही है वही दिखाएगा, और अगर मैं फ्लेक्सिबल डेट को कर दूंगा चेक तो वो 17 के बाद वाले दिनों में भी अगर अवेलेबल सीट होगी, ऐसा नहीं, ट्रेन अगर होगी तो उसे का भी दिखाएगा, उसको भी दिखाएगा। ये आई विल बुकिंग कंसेशन, इसका अर्थ है क्या हमें स्पेशल कंसेशन लेना है? तो यस, क्योंकि ये दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल कंसेशन का इसमें ऑप्शन दे रखा है। ये एक अलर्ट आ रखा है मुझे कंफर्म करके कि अगर आपके पास
ओके भी कर दिया मैंने, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए मुझे स्पेशल कंसेशन चाहिए तो मुझे अपना फोटो आईडी कार्ड जो ऑनलाइन है वो मेरे पास कैरी करके ले जाना होगा, ताकि अगर जरूरत पड़े तो टीसी को दिखाया जा सके। इस तरह की बात है। सर्च ट्रेन, अब मुझे क्या करना होगा, ट्रेन सर्च करनी होगी। क्यों सर्च करनी होगी, क्योंकि अभी तक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी, कौन सी तारीख में जाना है, स्पेशल कंसेशन चाहिए, कहां से कहां जाना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब आइए, वो शोइंग आइटम 1 2 2 2 ऑफ 2 बता रहा है, ने दो ट्रेन है वो दिखा रहा है मुझे। तो एक ट्रेन है ये नर्मदा एक्सप्रेस है, इसके बारे में पूरा बताया कब चलती है, कहाँ से चलेगी, कितना टाइम लेगी, कितना ड्यूरेशन टाइम होगा, और बाकी डेली दिनों के नाम भी बोल रही है। इसका मतलब ये कौन कौन से दिन है, मुझे इससे नहीं आना है, इसके बाद देखते हैं। ये एक और ट्रेन है, मुझे इससे आना है, क्योंकि ये टाइम कम ले रही है और ये वहां से थोड़ी लेट भी चल रही है, 6:40 पे चल रही है, यहाँ 4:15 पे के आसपास छोड़ रही है, तो मुझे इसी में चाहिए, तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये आ गया, ये कहां से कहां तक का है, INDB का अर्थ होगा इंदौर जंक्शन। अब यहां पर मुझे देखिए SL स्लीपर दिखा रहा, 3A है, 2A है, 1A है। तो पहले मैं स्लीपर में देख लेता हूं। स्लीपर में ये रैक का अर्थ है RAC, ये इतनी इतनी है ये बता रहा है। 71 RAC बता रहा है, ठीक है। चलिए हम 3rd AC में भी एक बार देख लेते हैं। ये इसमें 13 RAC दिखा रहा है, तो चलिए हम इसी को चेक करते हैं। ठीक है, अब गो टू पैसेंजर डिटेल के बारे में बोल रहे हैं, और 910 रुपीज इसका फेयर ब्रेकअप बता रहे हैं, इतना चार्ज लगेगा। और इसमें लगभग एक हफ्ते का ट्रेनों का बता रहा है वो, अलग अलग डेट में 3rd AC में, लेकिन मेरे को 17 तारीख है, 17 में दिख गया, तो मैं उसको कंफर्म कर दूंगा। देखिए November 17th, 21 तारीख तक ये दिखा रहा है, 21 में गो टू पैसेंजर डिटेल में चले गए। अब यहाँ बोल रहा है लॉग इन, अब लॉग इन करना होगा, पहले इससे पहले लॉग इन पहले ही करा लिया जाता था, तो हम लॉग इन करते हैं। देखिए ये पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है। तो आपको पता होगा एक OTP का ऑप्शन आता है, तो हम OTP वाला ऑप्शन को यहाँ पे डालना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे 4 अंक का डालना है और कुछ चीजें सीक्रेट सीक्रेट रखा जाता है, मैं टॉकबैक को बंद करना उचित समझूंगा, तो मैं बंद कर रहा हूँ।
Talk back on. OTP verification. OTP sent on register mobile email. OTP has been sent to your register number. Email. Send attachment. One time password open. Verified OTP. Post verified login on IRCTC. Message. BP national COTP. OTP login. 46189. जैसे ही OTP आएगा, मैं यहाँ पे OTP डालूँगा. Enter OTP. Edit box. Enter OTP. Resend. 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 अगर मुझे resend करना है तो वो भी कर सकता हूँ. Verify OTP. और verify. तो verify करने से पहले मेरे पास जब आएगा तभी मैं डालूँगा ना. तो देखते हैं OTP आया क्या जरा मैसेज में जा करके. Home button. Home screen. Page 1 of 4 default page. Left messages. To note. Messages. BP-RC. 9 colon. Showing items. OTP for login. Colon 76189. Colon 15 a.m. And list. 2 items. Alert global context menu. Repeat last utterance. Spell last utterance. Copy last utterance. Screen search. अच्छा मुझे पहले cancel button out of list. Word पे जाना messages. होगा. जहां पर. OTP for login. Colon. Default. Default. Characters. Words. वर्ड्स को मैंने लोकल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेनू में जा करके किया जाता है तो मैं उसी तरह से कर रहा हूँ जो आपको पता होगा इसके ऊपर मैं नहीं बताना चाहता. OTP, 4, login, 76189. ये 76 कनेक्ट मैं इसको कॉपी करूंगा. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेनू कॉपी लेफ्ट अरेस्ट द क्लिपबोर्ड कॉपी है ना मैं कॉपी 76189 कॉपीड बोल दिया. अब मैं फिर बैक करके आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट पर ही जाऊंगा और वहां पर प्रक्रिया करूंगा. IRCTC रेल कनेक्ट. IRCTC रेल कनेक्ट. एंटर ओटीपी. एंटर बॉक्स. एंटर ओटीपी. मैं यहां ओटीपी को एंटर करने की बजाय मैं क्या करूं पेस्ट कर दूंगा. कॉपी एंड पेस्ट ओवर. पेस्ट 76189. अभी पेस्ट कैसे किया जाता है इस पर मैं नहीं बताना चाहूंगा अभी क्योंकि इससे समय बहुत ज्यादा जाएगा. अब मेरा ओटीपी डल चुका है और मैं Verify OTP. Verify करना चाहूंगा. IRCTC Rail Connect. Back button. ये हो चुका है. Verified. Open parent 2191 close parent. Right 20 slash right 13. GN. 18 colon 40. 10 hours colon 00 M. 04 colon 40. Enter JNBG. Open parent INDB close parent. Jabalpur. Open parent JBP close parent. Boarding station. Sorry. Enter JNBG. Add passengers. Plus add new. अब एड पैसेंजर के ऊपर आएंगे हम. देखा है आपने यहाँ पर मैं ऊपर पूरा डिटेल डाल रहा था पता पढ़ के देख रहा था कि कब आना है कहाँ से आना है कहाँ जाना है कब गाड़ी चलेगी कब पहुंचेगी. अब यहाँ देखिए एक तो होता है प्लस एड न्यू यानी इसका मतलब कोई को ऐड करना है प्लस एडिट तो इसमें आपको टाइटल्स वगैरह डालनी होती है और एक है ऐड एग्जिस्टिंग. तो ऐड एग्जिस्टिंग में जाएंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें अपना अकाउंट डिटेल थोड़ा बहुत नाम एज मेल सेक्स जिसे बोलते हैं मेल फीमेल ये सब सेव है. Select existing passenger, Bhupinder Singh. Shivas Kapoor, 34 years. Select existing passenger, Bhupinder Singh, 30 years. Male, window side fetch food, out of list. Shivas Kapoor, 34 years, comma M, LP, fetch, enlist. Not ticked, tick box. Sabali, 35 years, comma, not ticked, tick box. Tick. Sabali, 35 years, comma, Shivas Kapoor, 34 years, comma M, LP, fetch. तो ये मेरा डिटेल हो गया है. Add passenger, out of list. और मैं? Shivas Kapoor, add passenger. Alert info. Please verify passenger's mark red. Okay, button. यहाँ भी देखिए. Info. Please verify passenger's mark red. प्लीज वेरीफाइड मार्क रेड का अर्थ यह है कि आप स्पेशल कंसेशन ले रहे हो तो केवल आपका ये जनरल इन्फॉर्मेशन और डिटेल भी डालनी है तो देखिए ओके करता हूँ मैं. इसको अब मैं देखिए Shivas Kapoor, edit box, 34, edit box, age, selected, ticked, male, radio button, not ticked, female, radio button, not ticked, transgender, radio button, lower, India, concession option. पहले नंबर पे आता है concession option. ये मैंने उसमें इसलिए डाला है क्योंकि ऐसा option save करने का आता है अपनी profile को वहाँ पर नहीं है. तो ये यहाँ पर मुझे फिर से डालना होगा. Select concession type, event, escort. इसमें कई सारे दिव्यांगजन एस्कॉर्ट तो चूंकि मैं दिव्यांगजन खुद हूं तो मुझे दिव्यांगजन को यहां पर टिक करना होगा. अब यहां आता है कार्ड नंबर.
अब मुझे कार्ड नंबर डालना होगा, तो मैं कार्ड नंबर डालूंगा, लेकिन वही बात है कि मुझे इसको भी सीक्रेट रखना है, तो मैं टॉकबैक को पहले बंद कर रहा हूँ ताकि मैंने अपनी डिटेल डाल ली है, मैं टॉकबैक ऑन कर लेता हूँ, डन कर रहा हूँ। देखिए रिव्यू जर्नी डिटेल वो देख लेते हैं क्या क्या है। Open parent 2011 close parent. Right 20 slash right first. The end. 18:40. 10 hours 0:00 AM. 04:40. Enter JIDP. Open parent IDP close parent. Developer. Work. Open parent JDP close parent. Boarding station. Enter JIDP. Add passengers. Ship is capped 34. Is delete button. Plus add new. Plus add input. Plus add existing. I click and review journey details you accept. Terms and we want to take travel. GSTIN details for tax benefits open parent. Not take. Consider for auto aggregation. Other preference. 7800-7419. Passenger mobile number. 9810 तो मैं उसे ओके कर देता हूँ। कहाँ गया वो? Right 20 slash right 13. Add passengers. Ship is capped 34M, RLP. Plus adequate. Plus add existing. Passenger mobile number. 783, other preference. Not take. Consider for auto upgradation. Tick box. GSTIN details for tax benefits open parent optional quote. We want to take travel insurance open parent 0. Not take. Yes, radio button. We want to take travel insurance open parent 0.49 slash percent close parent. Travel insurance? तो yes. Not take. Yes, radio button. ठीक है, अब रिव्यू जर्नी डिटेल्स क्विक टिकट प्लीज वेट। अभी प्रोसेस हो रही है तो आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि अब पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मुझे पेमेंट करना होगा। तो प्रोसेस जारी है और अभी कोई वॉपिंग होने के कारण प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। ये कई बार इंटरनेट की स्पीड और IRCTC के सर्वर के कारण भी यह समस्या आती है, तो इसकी चिंता नहीं करना, थोड़ा वेट करना। देखिए क्या बोल रहा है, बुक टिकट प्लीज वेट, इसका अर्थ है कि हमें वेट करना है। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, तो इसी तरह से वेट करना होता है। तो जहाँ तक हमने जो सीखा उसमें यह समझने का प्रयास किया कि कौन कौन सी ट्रेनें इंदौर से जबलपुर के लिए चल रही है, उसमें हमें जो ट्रेन पसंद आ रही है, जो कम समय ले रही है या जिसमें कंसेशन है, वो भी हमें देखना पड़ता है। आजकल आपको पता होगा कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही है, विशेष रूप से जिनका नंबर 0 से स्टार्ट है, और भी कई ट्रेन है उनमें रेलवे में हमें रियायत नहीं दी जाती है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तथा यह भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपको सीट चाहिए, कोटे की चाहिए, मान लीजिए मुझे RAC आ रही है, मुझे लेना है तो मैं ले रहा हूँ, नहीं तो अगर ज़्यादा वेटिंग होगी तो मैं नहीं लूँगा। तो ऐसी स्थिति में कोटा का ऑप्शन भी आता है, कोटे में आपको कौन से कोटे में चाहिए, सीनियर सिटीज़न, लेडीज़, दिव्यांगजन या जनरल कोटा। तो अभी मैंने जो टिकट ले रहा हूँ वो कोटा मेरा जनरल ही है, ये कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, बल्कि रेलवे के जो विंडो टिकट ली जाती है वहाँ पर भी स्टाफ कंफ्यूज रहता है कि कोटे में नहीं है तो फिर इन्हें कंसेशन किस बात का।
इस बात को मैं थोड़ा क्लियरिफाई कर दूं, कोटा अलग चीज है ना, और रियायत या कंसेशन अलग है। ये कई बार हमारे साथ होता है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि कोटे की सीट बाद में ली जाती है, पहले हमें हमारी सीट चाहिए। दूसरी बात, कोटे में अवेलेबल है तो कोटे की सीट भी ले लो, तो हमें उसे भी सिलेक्ट करना होता है। साथियों, अभी तक तो प्रॉब्लम जारी है, कार्य प्रगति पर है लेकिन प्रक्रिया में है, कुछ सेकंड और वेट करते हैं क्योंकि ये समय आपको पता है, सुबह का समय मैं टिकट कर रहा हूँ और इस समय ज़्यादातर लोग टिकट करते हैं तो ये समस्या आती ही है, नेटवर्क की, सर्वर की। ये बार बार ये बोल रहा है बुक टिकट में प्लीज वेट, तो मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं तो फिर देखते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, क्या कारण है ये आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। IRCTC में ऑनलाइन टिकट में मैंने तीन चीज़ें डाली थी जिसको मैंने टॉकबैक के साथ आपको नहीं सुनाया क्योंकि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पहले नंबर पे तो उसमें दिव्यांगजन डाला था जिसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो तीन चीज़ें डाली थी उसमें था एक तो कार्ड नंबर। ये कार्ड नंबर जिस जोन से बना होता है उस जोन का क्या बोलते हैं कोड नंबर होता है, और जिस स्टेशन से बना उस स्टेशन का भी कोड नंबर होता है, कोड होता है। मान लीजिए किसी का रतलाम से बना है तो WR वेस्टर्न रेलवे के लिए आएगा। तो इसी तरह से रतलाम का मध्य प्रदेश में एक जगह है उसका RTM, तो WR RTM। फिर इसके बाद पांच अंक होते हैं। अब ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने डाली, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेरी जन्म तिथि डाली, किस तारीख को किस तिथि को मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने डेट ऑफ एक्सपायरी या वैलिडिटी डेट डाली, उसमें कब हुआ है, कब होना है समापन इस कार्ड का। Samsung widget, app screen, page 24, page 24, Samsung folder, tap back button.